आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में अंतर लिखो। ये दो नंबर का क्वेश्चन बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में डिफरेंट लिखो। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको 6 डिफरेंट बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में, आपको 4 आराम से याद रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताना दिस प्रोसेस हैपन इन मेल टेस्टिस, जो मेल के टेस्टिस है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल डिफरेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, मेल के टेस्टिस में होता है, और ये कहाँ होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। फीमेल में कहाँ होगा, फीमेल की ओवरी के अंदर कंप्लीट होगा। दूसरा डिफरेंट आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, यानी जो आदमी कितना ही बुढ़ा हो जाएगा तो भी उसमें स्पर्म बनते रहेंगे। ये क्या होता है, फीमेल में एक फिक्स एज के बाद 45 से 50 वर्ष की जो फीमेल हो जाती हैं उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ओव नहीं बनते हैं। तो आपको बताना है दिस प्रोसेस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, चाहे 80 साल का आदमी होगा, 90 साल का होगा, चाहे 100 साल का होगा पुरुष, उसमें स्पर्म बनेंगे और फादर बन सकता है। लेकिन ओवोजेनेसिस ऐसा स्टेप प्रोसेस है जो 45 से 50 साल के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी उसमें अंडे नहीं बनेंगे फीमेल के अंदर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब अपन एक डायग्राम पढ़ते हैं, उस डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम से अपन पूरा समझ लेंगे ये क्या है। ये अपन कहेंगे जर्मिनल एपिथीलियम है। ये कौन सी एपिथीलियम है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसके अंदर होती है जर्मिनल एपिथीलियम। क्या होती है, जर्मिनल एपिथीलियम होती है। जर्मिनल एपिथीलियम का डिवाइडेशन होता है कंटिन्यूस और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया इसका एक और नाम होता है, इसको अपन स्पर्म मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं इसको, स्पर्म मदर सेल। ये जो डिवीजन है इस डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। ये एक्चुअल में डिप्लोइड सेल होती हैं और इससे जो ये बनते हैं ये भी डिप्लोइड होते हैं। इस फेज का नाम होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको 6 अंतर याद हो जाएंगे। डायग्राम आपको याद है तो 6 अंतर आप आराम से देख सकते हो। इसमें क्या होता है, ये जर्मिनल एपिथीलियम होती है, जर्मिनल एपिथीलियम का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है और बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं, या इसको कहते हैं ओम मदर सेल। क्या कहते हैं, ओम मदर सेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया है, ये कौन सी फेज है, मल्टीप्लीकेशन फेज है। कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन फेज है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज। इसमें कोई डिफरेंट आपको नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है कि स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और आकार में बड़ी होते ही उसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनती हैं, इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। क्या होता है, ग्रोथ फेज, ठीक है, इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। ये भी डिप्लोइड सेल है। इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन नहीं सॉरी, इसका आकार बड़ा होगा और बनेगी प्राइमरी ओम सेल, प्राइमरी ओसाइट सेल, प्राइमरी ओसाइट सेल। इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। क्या होता है, ग्रोथ फेज। अब यहां से डिफरेंट निकल के आते हैं दो। सबसे पहला डिफरेंट ये निकल के आता है कि ऑल स्पर्मेटोसाइट सेल्स, जितने भी जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ऑल स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं, ऑल स्पर्मेटोगोनिया सेल और स्पर्म मदर सेल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 के 6 क्या हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं, सब न्यूट्रिशन गेन करती है और बनाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, जो ओगोनिया सेल्स होती हैं उसमें से कुछ ओगोनिया सेल्स होती है वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट सेल्स, और बाकी वाली सेल्स इसके चारों तरफ क्या होती है, फॉलिकल सेल्स के रूप में गैदर हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें आपने देखा कि इसमें जितनी जो ये डिफरेंट निकला है, ऑल स्पर्मेटोगोनिया सेल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, इसमें ऐसा नहीं होता, ऑल ओगोनिया नॉट कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी ओसाइट सेल्स। फिर उसके बाद ग्रोथ फेज में जो ये इसका साइज बढ़ता है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसमें ग्रोथ फेज के अंदर जो साइज बढ़ता है वो काफी बड़ा होता है, इसमें साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ये ग्रोथ फेज है,
ये काफी सिंपल प्रोसेस होता है इसके अंदर। इसके अंदर ग्रोथ फेज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। यानी इसमें ग्रोथ फेज कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ग्रोथ फेज सिंपल से यानी ज्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है। इसमें प्री विटेलोजेनेसिस विटेलोजेनेसिस स्टेज होती नहीं है। इसमें ग्रोथ फेज में दो सब स्टेज होती है जिसका नाम होता है प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। ये दो तीन डिफरेंट इस स्टेज से आ गए। सबसे पहला आपने बताया ऑल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। इसमें आपने बताया ऑल ओगोनिया नॉट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी ओसाइट सेल्स, ठीक है। या अपन कहते हैं ओगोनिया सेल है वो सब इसमें नहीं बनते हैं। अब इसके बाद में आता है डिफरेंट, अगला डिफरेंट ये है कि इसको कहते हैं मैचुरेशन फेज। अब नेक्स्ट आएगी उसका नाम होगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज आप जानते हैं उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें बनती है सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या बनती हैं ये सेकेंडरी ओसाइट्स बनती है, सेकेंडरी इसमें स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेगी। ये होगा मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा मियोसिस फर्स्ट, इसमें ये हैप्लोइड हो जाएंगे, फिर मियोसिस सेकंड होगा और इससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, इससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, क्या बने स्पर्मेटिड बने, बन गए स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड से क्या होगा, स्पर्मेटिड है उसका होगा कन्वर्जन और बनेंगे स्पर्म। क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे, स्पर्म मोटाइल होंगे और इसके अंदर बहुत अमाउंट में पित्त योल्क नहीं होगा, ये मूवमेंट करेंगे स्पर्म, ठीक है। ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है और स्पर्म भी हैप्लोइड है, ठीक है। अब इसमें दो तीन डिफरेंट आपके निकल जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन होगा, एक छोटे आकार की सेल बनेगी, एक बड़े आकार की सेल बनेगी, बड़े आकार की सेल का फिर डिवीजन होगा, एक छोटे आकार की सेल बनेगी, एक बड़े आकार की सेल बनेगी। बड़े आकार की सेल है उस सेल को अपन कहते हैं ओम, क्या कहते हैं ओम बनता है, और छोटे आकार की सेल्स होती है उसको कहते हैं पोलर बॉडी, क्या कहते हैं पोलर बॉडीज, ठीक है। दो तीन डिफरेंट ये आएंगे, ये क्या है, ये डिप्लोइड है, ये हैप्लोइड है, ये हैप्लोइड है, ये पोलर बॉडी भी हैप्लोइड होती है, ऐसी होती है हैप्लोइड होती है, भी ध्यान रखना। या मियोसिस फर्स्ट हुआ या मियोसिस सेकंड हुआ है, इस फेज का नाम है मैचुरेशन फेज। क्या है मैचुरेशन फेज है, मैचुरेशन फेज। यहां पे आपने देखा कि यहां पे ये क्या बना है सेकेंडरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट सेल, सेकेंडरी ओसाइट सेल, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें डिफरेंट यहां से निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने बताया दिस प्रोसेस हैपन इन मेल टेस्टिस, इसमें आपने बताया दिस प्रोसेस हैपन इन फीमेल ओवरी, ये आपको सिंपल याद रह जाएगा। ये मेल के टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है, ये लाइफ टाइम तक चलता है, ये 45 से 50 वर्ष के बाद बंद हो जाता है, इस पर ओजेनेसिस प्रोसेस। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में कोई खास डिफरेंट मिला नहीं है कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम में उसका डिवाइडेशन हुआ और इस पर मेटोगोनिया बन गए, इसमें क्या हुआ ओगोनिया बन गए। अब इसके बाद में आई ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में दो डिफरेंट मिले, सबसे पहले तो ऑल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू द ऑल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, ऑल ओगोनिया नॉट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी ओसाइट सेल्स। ग्रोथ फेज इज वेरी सिंपल, ग्रोथ फेज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड प्राइमरी ओसाइट सेल्स इंक्रीज वेरी लार्ज साइज, यानी इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें प्री विटेलोजेनेसिस विटेलोजेनेसिस दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इस ग्रोथ फेज के अंदर। अब आता है मल्टीप्लिकेशन फेज में, तीन चार मैचुरेशन फेज में, इसमें क्या होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो रहा है, दोनों सेल्स बन रही है वो समान आकार की है, साइटोप्लाज्म इसमें अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है। साइटोप्लाज्म का इसमें कैसा डिवाइडेशन हुआ है, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है, इसमें अनइक्वल हुआ है, एक बड़े आकार की सेल बनी है, एक छोटे आकार की, इसमें साइटोप्लाज्म उसका इक्वल डिवाइडेशन हुआ है, कैसा हुआ है इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें प्राइमरी ओसाइट सेल्स है, उसके एक प्राइमरी ओसाइट सेल से चार स्पर्म बनते हैं, इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते हैं, इसमें एक प्राइमरी ओसाइट से एक ओवम बनता है और तीन पोलर बॉडी बनती है, डिफरेंट हो गया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डिफरेंट ये बताना है कि मैचुरेशन फेज होती है उसके अंदर ये जो अपन कह रहे हैं ये फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों डिवीजन होते हैं वो टेस्टिस में होते हैं, कहाँ होते हैं टेस्टिस में होते हैं, यानी ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों टेस्टिस में होते हैं। इसमें ये मियोसिस फर्स्ट तो ओवरी के अंदर होता है, फिर उसके बाद ये
सेकेंड यूसाइट ओवरी से बाहर निकल जाता है और ये जो सेकेंड डिवीजन है जिसको अपन मियोसिस सेकेंड कह रहे हैं वो ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो तीन चार अंतर इस डायग्राम से आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, इस पर मेटोजेनेसिस प्रोसेस और ओजेनेसिस का प्रोसेस का ये नाम याद होना चाहिए, तो आप तुरंत अंतर निकाल सकते हो, उसके अंदर से ढूंढ सकते हो। आपने इस पर मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस प्रोसेस पढ़ लिया होगा, आपको बिल्कुल सिंपल डिफरेंट याद करने हैं, आप चार पांच डिफरेंट लिख सकते हो अगर ये डायग्रामेटिक आपको याद है तो। अब सवाल आता है कि यदि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं तो कितने स्पर्म बनते हैं? 100। कितने बनते हैं? और 25 प्राइमरी ओसाइट सेल हैं तो कितने ओम बनते हैं? 25, एक से एक बनता है, ध्यान रखना है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बनेंगे? 100। और अगर मान लो 25 प्राइमरी ओसाइट से है तो कितने ओम बनेंगे? आपको बताना 25 ही बनेंगे। और पॉलर बॉडी कितनी बनेगी? 75, यानी एक से तीन बनेगी, एक से चार, एक से एक बनेगा। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है और यहाँ साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। एक सेल तो बड़ी बन गई है और एक सेल छोटी बनी है। जो बड़ी सेल बनी है उसका नाम सेकेंड ओसाइट, फिर अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है और एक बड़ी सेल बनी है ओम और एक छोटी सेल बनी। अब सवाल इसमें भी पूछा जाता है कि अनइक्वल डिवाइडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि न्यूट्रेशन होता है वो किसके अंदर होता है? ओम में। एक डिफरेंट और है, ओम मोटाइल होता है, ओम नॉन मोटाइल होता है यानी गति नहीं करता है, और स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। इसमें योल्क नहीं होगा, इसमें योल्क होगा, जो न्यूट्रिशन है वो योल्क कहलाता है, वो होता है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और एग्जाम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस प्रोसेस आए तो आप ऐसे लिखो, ये आप लिख भी सकते हो। मैं तो डायग्रामेटिक एक्सप्लेन इसलिए किया है, आपको ऐसे परीक्षा के अंदर क्या करना, डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी, आपको सीधे सीधे डिफरेंट लिखना है, अपने डिफरेंट साधने हैं, आपको डिफरेंट साधने में क्या है आसानी रहती है। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया है, आपको चार डिफरेंट याद करने हैं, दो डिफरेंट तो शुरू के बहुत सरल है कि मेल की टेस्टिस में होती है, फीमेल की ओवरी में होती है, लाइफ तो होती है 45 से 50 वर्ष में होती है, इसमें डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में कोई ग्रोथ फेज में दो डिफरेंट आ जाएंगे, और इस पर मेटोगोनिया कन्वर्ट इंटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें आ जाएगा, और ओगोनिया नॉट कन्वर्ट इंटू प्राइमरी ओसाइट सेल और आ जाएगा। ग्रोथ फेज इसमें सिंपल होती है, ग्रोथ फेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, प्री विटेरोजेनेसिस विटेरोजेनेसिस दो सब स्टेज होती है। इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते हैं, इसमें एक प्राइमरी ओसाइट से एक ओम बनता है, फिर इसमें साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है और इसमें साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड हुआ है। इसके अंदर प्राइमरी जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों सेल डिवीजन है वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। इसमें ये पहला डिवीजन तो होता है ओवरी के अंदर, फिर ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है सेकंड डिवीजन होता है वो होता है ओविडक्ट में, ये अपने को ध्यान रखना। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना। यदि मान लो ये 25 की जगह अपन क्या करते हैं 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हो, 20 इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हो, कितने स्पर्म बनेंगे? ये आप आंसर देना कि अगर 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं तो हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस, कितने स्पर्म बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेट्रिड्स है उसका आगे क्या होता है, उसका मैचुरेशन होता है और स्पर्म बनते हैं। अब आपको दूसरा इसमें क्वेश्चन है मेरा कि 25 यदि 25 की जगह अपन क्या करते हैं 50 देते हैं, 50 प्राइमरी ओसाइट से 50 प्राइमरी ओस ये 50 प्राइमरी ओसाइट सेल्स हैं, इससे कितने ओम बनेंगे और कितनी पोलर बॉडी बनेगी? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू बच्चों।